नमस्कार, जय महादेव। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आशा रखता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तन्ना इंग्लिश मीडियम स्कूल गोंडल की ओर से मैं रूसी सर आप सबका फिर से एक बार स्वागत और अभिवादन करता हूं। दोस्तों, नए सेमेस्टर की हम शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं, तो आज हम शुरू करेंगे सबसे पहले योग और एक्सरसाइज से क्या फायदे होते हैं, उसकी हमारे जीवन में क्या जरूरत है, इसे जानने के लिए ये बात मैं आपसे कहने के लिए आज आपके सामने आया। दोस्तों, पिछले एक साल से हम जिस महामारी का सामना कर रहे हैं उसमें हर वक्त सभी डॉक्टर्स या फिर WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी लोग हमसे एक ही बात बार बार कहते हैं कि अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को ठीक रखे, तंदुरुस्त रहे और स्वस्थ रहे। दोस्तों, अगर हमारी इम्यूनिटी को हमें पावरफुल रखना है तो उसके लिए हमें थोड़े कदम उठाने होंगे। सबसे पहले अपने माइंड यानी अपने मन को हमें पॉजिटिव एटीट्यूड से भर देना होगा। साथ में अगर हमारा मन पॉजिटिव एटीट्यूड से भर दिया जाए तो हमारा बॉडी भी पॉजिटिव रिएक्ट करेगा, उसके सभी रिएक्शंस है वो पॉजिटिव होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें मन को पॉजिटिव करने के लिए, मन को ताकत वाला बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले मैं समझता हूं कि हमारे लिए सबसे अच्छा है बुक्स पढ़ना, अच्छी अच्छी किताबें ढूंढकर उसे ठीक से आप पढ़ें, उसके विचार उसमें जो लिखाई है वो सभी अपने मन में उतारें और इस लिखाई या इस विचार से हमारा मन है वो पॉजिटिव थिंकिंग करने लगेगा। साथ में अगर मन को हम ऑक्यूपाई रखेंगे तो मन है वो ज्यादा मजबूत होगा। सपोज घर पे बैठ के हम अलग अलग गेम्स भी खेल सकते हैं, चेस है, रूबी कप्स है, फिर प्लेइंग कार्ड्स है, इसकी जो परफेक्ट गेम्स जो होती है जिससे माइंड को एक्सरसाइज मिलती है, मन को एक्सरसाइज मिलती है, ऐसी गेम्स हमें खेलनी चाहिए। लेकिन ये सभी गेम्स हमें मैन्युअली खेलना है, मोबाइल पे नहीं खेलना है। ठीक है, मोबाइल तो है ही हमारे पास, लेकिन उससे हमें थोड़ा छुटकारा लेना है। हमें मोबाइल में गेम नहीं खेलना है, मम्मी पापा और घर के सभी सदस्यों को इकट्ठा करके साथ बैठ के ऐसी माइंड गेम्स हमें खेलनी चाहिए। तो ये थी मन की बात। अगर हमारा मन मजबूत है तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम भी मजबूत हो जाएगा। लेकिन उसके साथ अगर हमें मन को मजबूत करना है तो हमें योग भी करना होगा। योग में योगासन है, साथ में प्राणायाम, अनुलोम विलोम, ऐसे अलग अलग उसके पहलू हैं जिसमें जिसको की करके हम अपने मन को मजबूत बना सकते हैं, उसको शक्ति प्रदान कर सकते हैं। ये तो थी मन की बात। लेकिन अब बॉडी यानी शरीर की बात आती है। अगर हमारा मन मजबूत होगा तो 50% बॉडी तो मजबूत हो ही जाएगा, क्योंकि बॉडी है वो किसके हुक्म का पालन करते हैं? वो मन के हुक्म का पालन करते हैं। ठीक है, उसका ऑर्डर मानता है। तो बॉडी जो ऑर्डर मानता है उससे 50% तो हमें उसमें से मिल जाएगी, जो हमारी तकलीफें हैं उसमें से हमको छुटकारा मिल जाएगा। तो ये छुटकारा मिल ही गया है, लेकिन उसके बाद हमें और भी ज्यादा अपने शरीर को, अपने बॉडी को मजबूत करना है, उसे तंदुरुस्त बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा हमें? जी हाँ, हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। लेकिन ये एक्सरसाइज कैसी होगी? पहले एकदम लाइट एक्सरसाइज करनी है और बाद में उसको धीरे धीरे हार्ड करते जाना है।
ये एक्सरसाइज करने से आपके शरीर को जो एनर्जी मिलती है उस एनर्जी से आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ती है, और इस इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ने के बाद आप किसी भी महामारी का भरपूर सामना कर सकते हैं। दोस्तों, मैं अगले सप्ताह से आपके लिए योग और एक्सरसाइज ये दोनों के वीडियोस लेकर आ रहा हूं। फिर से हम एक बार बिल्कुल लाइट कसरत से, लाइट एक्सरसाइज से शुरू करके हम आगे हार्ड एक्सरसाइज तक जाएंगे, और योग में भी हम अलग अलग आसन सीखेंगे, प्राणायाम के अलग अलग प्रकार सीखेंगे। ये सब लेकर मैं आपके सामने फिर एक बार हाजिर होऊंगा। मैं आशा रखता हूं मैंने जो आपको समझाया है वो आपको ठीक से समझ आया होगा और आप उस पर जरूर काम करेंगे। माननीय मधु सर की प्रेरणा से और परम माननीय चंदू बापू के आशीर्वाद से ऐसे सुंदर से वीडियोस हम आपके लिए अपलोड करते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी पेरेंट्स और आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी ओर से जय मामा देव।